सो हेलो गाइस, आई होप आप लोग सब बढ़िया हो। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बहुत बड़ा मॉडल, जो कि इसकी तैयारी अभी स्टार्टिंग कर दी। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और हमारी कॉलोनी के बच्चे भी साथ में उन लोगों ने मेहनत करवाई है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये पहले का काम स्टार्ट हो चुका है, इसमें पहली प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वो जैसे ही ये तार फिलिंग का काम हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने इसको पूरा कवर करा, इस पर रद्दी करी, स्टार्ट कर दिए। और ये देखिए हम लोगों के पूरे कॉलोनी के बच्चे हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारा वही ध्यान है। और हम लोग इसमें वर्क करते आ रहे थे। हम लोगों की पूरी टीम है ये कॉलोनी की, जो कभी भी काम करने के लिए रेडी रहती है। तो ये देखिए इसका क्या रिजल्ट बन रहा है। तो आप लोग देख के समझ सकते हैं कि ये क्या बना है। ये बन रहा है शेषनाग, देखिए। तो ये हमारे ब्लॉगिंग करते हुए इसके बाद कलर का काम स्टार्ट कर दिया है। ये जो कलर कर रहे हैं अभी हम इस पर बेस कलर कर रहे हैं, जिससे कि जो आगे कलर करेंगे वो और अट्रैक्टिव लगेंगे। ये जो हम इस पर भी कलर कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे ये किस चीज़ से कर रहा हूँ। ये स्प्रे गन आती है, उससे मैं कलर उला रहा हूँ इस पर, ये बाइक वगैरह पे भी। इसमें एक प्रॉफिट रहता है हम लोगों के, जो गड्ढे वगैरह होते हैं उसमें आसानी से कलर पहुँच जाता है। और देखिए अब हम लोगों ने पीला कलर डालना इस पर स्टार्ट कर दिया। ये पीला कलर इसका सबसे नीचे वाला कलर रहेगा, इसके बाद दो तीन कलर और डालेंगे, जिससे वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता जाएगा। ये जो है बेस कलर से स्टार्ट करा हमने, लाइट टू डार्क। ये पापा ने भी उनको बताया, इसमें पापा ने थोड़ी हेल्प करी और फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद फिर मैं समझ गया, उसके बाद मैंने कलर करना स्टार्ट करा। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग का काम करना स्टार्ट करेंगे। ये पीछे पापा ने दोबारा इंस्ट्रक्शंस दिए मुझे कि इसको ऐसे ऐसे करना है। मैंने इसके बाद फिर और बताया, फिर फाइनली मेरे को थोड़ा समझ में आया, तो फिर उसके बाद मैंने करना स्टार्ट करा। ये पूरा पीछे से आगे तक हो चुका था पीला कलर। इसके बाद हम लोग ग्रीन कलर करना स्टार्ट करेंगे, जो कि पापा मुझे दोबारा बता रहे थे कि इसको इस तरीके से करना है। तो इसके बाद फाइनली हम लोगों ने इस पर फाइनल ब्लैक कलर करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि ये थोड़ा सा और समझ में आने लगेगा। तो ये अब ब्लैक कलर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इस पर पानी का टेक्सचर दिखाने के लिए इस पर नीला कलर डाल रहे हैं। ये जो नीला कलर डाल रहा है वो मेरा छोटा भाई है। और देन इसके बाद पापा ने इसमें वाइट कलर से और इसको अच्छा बनाने के लिए, पानी का इफेक्ट डालने के लिए, इसमें वाइट कलर का टच दिया है। सो गाइस, हम लोगों के पुराने वाले कलर थोड़े ज़्यादा फेड हो गए थे। देन उसके बाद हम लोगों ने हम दोबारा इस पर रिक्रिएट करा है। एंड उसके ऊपर अब आप देख सकते हैं कि कैसा हम लोगों का फ्रेम आ रहा है, पूरा सांप सांप के ऊपर, अर्थ अर्थ के ऊपर कृष्ण भगवान जो खड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। एंड जो आपको मैंने इधर साइड वाला जो अभी एक मॉडल और दिखाया था, वो मेरे छोटे दादा ने बनाया था, वो पूरा थर्माकोल का बना हुआ है, जो
जो कि थर्माकोल आर्टिस्ट हैं। सो देखिए फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूरा मशीन वगैरह सब चीज़ का क्रिएशन हम लोगों ने खुद नहीं किया है, आप देख सकते हैं। ये जो शेषनाग जो हैं उनके मुंह से अभी आग निकलना बाकी रह गई है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आने वाली है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।